Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. देखो, एक हमारे पास हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसके अंदर हमारे COP26 की मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ चीजें दे रखी हैं. तो अभी रिसेंटली जो हमने चैप्टर नंबर 19 अपना कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है मैं वो भी साथ के साथ कराते हुए चलूँ, क्योंकि जब आपके पास चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी हो जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है, ऑलरेडी हम COP26 की मीटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट क्या होता है ना कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं हिंदू न्यूज़पेपर के उनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सीधे सीधे एग्जाम से रिलेट करती है. दैट्स व्हाई मैं आपको एक एक आर्टिकल उसका पढ़ाऊंगा. सर वैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बट मैंने आपको बोला था कि हर चीज को मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताते हुए चलूंगा. दैट्स व्हाई मैं आपको पूरे पूरे आर्टिकल्स भी पढ़ाते हुए चल रहा हूं. अगर आप में से कोई कहता है ये वाला हिंदू न्यूज़पेपर कौन सी तारीख का है तो मैं आपको बता दूं 13 नवंबर का. ये देखो, ये आप डेट देख पा रहे हो 13 नवंबर 2021 का है. आप ये मत समझना ये पुराना है, आप ये समझो क्योंकि जो डेटाज होते हैं वो पुराने वाले एग्जाम में आते हैं. पुराना मतलब जो लेटेस्ट 1-2 सालों का होता है, तो ये बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है. तो आपको तो मेन सीखने से मतलब है. ठीक है, आओ पढ़ते हैं. देखो, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे व्यूवर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली वीडियो को देखना शुरू करते हैं बजाय कि पीछे की वीडियोस के. देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए गए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जिस तरह से हम अपने कार्बन एम्बिशन ज्यादा कर रहे हैं तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत मतलब कड़े नियम और कानून बनाने पड़ेंगे. इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रियो समिट हुआ था और उस रियो समिट में 3 बड़े बड़े एग्रीमेंट किए गए थे और उसको हमने एजेंडा 21 का भी नाम दिया था, जिसमें हमने 21 एजेंडाज को किए थे. उसके लिए 3 बड़ी बड़ी कमेटीज हमने बनाई थी, जिसमें से एक थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो बेसिकली क्या करेगा कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करना है उसके लिए अपने पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा. UNFCCC के द्वारा जो मीटिंग्स को कंडक्ट करवाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. तो इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं COP. अभी COP की मीटिंग जो है लगातार होती ही रहती है, हर साल एक मीटिंग जरूर होती है. तो ऐसे में जो 26वें नंबर की मीटिंग अभी जो हमारे अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई थी 2021 के अंदर, उसमें कुछ नेगोशिएशंस हुई थी. अब क्या होता है ना कि जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग्स होती हैं हम इनमें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर मीटिंग कहां और कौन कौन सी होने वाली है. तो अब उसी को लेकर हम यहां पर पूरा डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं. तो बेसिकली आपको ना कोई भी आर्टिकल पढ़ने से पहले ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो COP को कंडक्ट कराती है. तो बताओ कौन सी थी, UNFCCC, फुल फॉर्म याद कर लो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इनके द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट कराती है उनको क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. अच्छा, कॉन्फ्रेंस का मतलब जानती होता है, कॉन्फ्रेंस मतलब इट्स जस्ट लाइक अ राउंड टेबल. राउंड टेबल का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है सब लोग बैठे होते हैं तो इन सबका मुंह इधर की साइड होता है, यानी हर बंदा हर किसी को देख पाता है. इस तरीके से होता है राउंड टेबल की तरह. और इसके जो मेंबर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट बोलते हैं. और ये जो मीटिंग होती है उसको क्या नाम देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. यानी एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस याद रखना, एक होता है सेमिनार वेबिनार, एक होता है कॉन्फ्रेंस. तो कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, याद रखना कॉन्फ्रेंस काफी दिनों तक चलती है. जो भी मीटिंग आपकी 5 दिन से ज्यादा चले समझो वो क्या है, आपकी एक तरह की कॉन्फ्रेंस है. जो कुछ घंटों में चले वो सेमिनार है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चले वो ई वेबिनार है. समझ रहे हो बात को, तो इसलिए इसका नाम कॉन्फ्रेंस रखा गया. और पार्टीज मतलब जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो उनकी क्या होंगी, पार्टीज जो इसके अंदर बैठेंगी. ठीक है, तो अभी हमारे यहां पर जब ये COP26 हुई थी तो उसमें कई सारे नेगोशिएशंस हुए थे. ठीक है, और इसमें कई सारी चीज होती है, चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं. देखो, हेडिंग तो आपको समझ आएगी होगी, मेन चीज ये देखो, नेक्स्ट सेशन ऑफ क्लाइमेट टॉक विथ द हेड ऑफ इजिप्ट एंड UAE. जब ये मीटिंग हो रही थी उससे पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि COP26 की मीटिंग तो ग्लासगो के अंदर होगी, ठीक है, जो कि UK के अंदर है. और जो अगली मीटिंग होगी यानी COP27 जो है वो इजिप्ट के अंदर होगी, और जो COP नंबर 27 इजिप्ट में होगी, और COP28 की मीटिंग होगी वो UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. जैसे दुबई वगैरह है ना, तो ये बुर्ज खलीफा वगैरह जो है तो ये सब UAE के अंदर है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और इन्हीं की सबसे नंबर वन फ्लाइट है जिसका नाम है एमिरेट्स करके. आपने देखा इसके कई सारे स्पॉन्सरशिप मैच वगैरह में भी आते रहते हैं और एमिरेट्स की अपनी फ्लाइट है तो वो UAE की है. ठीक है, तो याद रखना कि 27वीं मीटिंग कहां पर होगी, इजिप्ट में होगी, और 28वीं मीटिंग कहां होगी, UAE में होगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी. ठीक है, चलो ध्यान दो. अब देखो 2021 की मीटिंग COP26 कहां पर हुई थी, ग्लासगो के अंदर. ग्लासगो कहां पर है, UK के अंदर है. क्लियर हो गया, ठीक है, ग्लासगो कहां पर है, UK के अंदर है. वो कह रहे हैं कि 2022 का जो एडिशन होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, ये होगा 27वां. और हमने पढ़ लिया 27वां कहां पर होगा, इजिप्ट में. तो वही लिखा हुआ है कि ये जो पार्टी है ये कहां पर होगी,
शेख अली करके है, ये इजिप्ट के अंदर होगी, और 28वां एडिशन जो 2023 के अंदर हुआ वो कहाँ पर हुआ, यूएई में हुआ। और ये सब चीज़ें किसने डिसाइड की, काउंसिल ने डिसाइड की। काउंसिल का मतलब क्या होता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को जो मेन हेड करता है ना, चेयरपर्सन, वो डिसाइड करता है कि इसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पर होने। सर क्या मीटिंग हम कहीं भी किसी भी शहर में कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। जो भी मीटिंग होती है उसके लिए क्या होता है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि अगली मीटिंग हमारे यहाँ पर करवा दो, फिर हम देखते हैं कि मीटिंग वहाँ पर कराना ठीक हुआ नहीं हुआ। लेट सपोज पाकिस्तान वाले ये बोले कि मीटिंग ना अगली वाली हमारे यहाँ पे करा दो, या अफगानिस्तान वाले ये बात बोले, तो वहां पर मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में इतना ज्यादा वहां पर तालिबानी का कब्जा हो रखा है। दैट्स वाई हम ऐसी स्टेट में कभी नहीं कराते, या ऐसी कंट्री में कभी भी नहीं कराते जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हो, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड लीडर्स आने वाले, अगर एक भी बम फूट गया तो वर्ल्ड लीडर को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हमेशा सेफ जगह पर ही ये मीटिंग कराई जाती है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था COP26 के अंदर कि आने वाले समय के अंदर हम ऑन गोइंग कहाँ कहाँ पर अपने पास मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक एक लाइन इतने अच्छे से याद हो कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनमें से कोई ना कोई पॉइंट उठा के उसमें लिख पाओ, समझो। क्योंकि ये चीज़ें बुक में नहीं गिवन होती, सीधी बात तो ये होती है, बुक में ना एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी दी जाती है, और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करने के लिए हमें हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी पहचान होती है जो हमें बाकी से अलग बनाती है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, Even the ongoing COP26 Glasgow was reaching its conclusion on Friday. Even the Glasgow negotiation from 200 countries committed to be discussion polishing a draft agreement that has been ready since Wednesday for a final agreement. पता है इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है जो COP26 की जो मीटिंग है वो ग्लासगो के अंदर हो रही है, फ्राइडे के अंदर ही अपना जो पूरा कंक्लूजन है वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, और उसके अंदर 200 कंट्री के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, और अपने अपनी बातों को यहाँ पर रखा जा रहा है कि क्लाइमेट को लेकर किस तरह से हम अपने पास प्लान्स बना सकते हैं, किस तरह से हम एक्शंस ले सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर 200 कंट्री के वर्ल्ड लीडर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भूपेंद्र यादव ये हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट मिनिस्टर, यूनियन स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। यूनियन मिनिस्टर हमेशा एक ही होते हैं स्टेट में, हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो भूपेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर मीटिंग के अंदर गए थे, इवन मोदी जी भी गए थे, तो भूपेंद्र यादव तो चलो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो ऐसे में क्या होता है, हर कंट्री की तरफ से 3-4 रिप्रेजेंटेटिव तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मीटिंग अपने आप में, अगर इस मीटिंग में कोई भी गलत डिसीजन हो गया तो ये सभी के लिए बाउंड होगा जो भी उसके मेंबर स्टेट्स हैं, समझ लो। तो ये सब लोग यहाँ पर गए थे और यहाँ पर फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ऑल कंट्रीज हैव टू एग्री एवरी वर्ड इन द टेक्स्ट एग्रीमेंट। हर कंट्री ने एग्रीमेंट के लिखे हुए एक एक टेक्स्ट को पढ़ा है और ये डिसाइड किया है क्या ये हमारे ऊपर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक बात की बहुत भूमिका है। आप ये सोचो कि हम एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे और बाद में हम नहीं करेंगे तो मना कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने साइन कर दिया तो आपके ऊपर बाउंड है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पे हैवी पेनल्टीज लग जाएंगी। आप सोचोगे सर चलो पेनल्टी भी दे देंगे, लेकिन क्या होता है ना कि वर्ल्ड लेवल पे आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी बात की वैल्यू ही नहीं रही कि आपने एग्रीमेंट करके भी नहीं किया। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि दोस्त यारी में उधार ले लिया हम नहीं देंगे, वो कहता रहे जो कहना हो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसमें लिखी हुई सारी बातें जो है आपको बाउंड होंगी और आपको वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ड्राफ्टेड बाय द टर्म ऑफ कॉप प्रेजिडेंट आलोक शर्मा। अभी वहां के प्रेजिडेंट कौन थे, आलोक शर्मा थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। आलोक शर्मा, दिस टेक्स्ट इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल डिस्कशन सिंस नवंबर when the COP26 began. चलो ये कोई बात नहीं, मेन चीज यहां पर पढ़ते हैं। देखो एक बात बोलूं, जो हमारे यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 तो चलो अभी चल रही, 21 जो थी ना वो अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था। जानते हो क्यों? क्योंकि 21 के अंदर हमने इतने ड्रास्टिक मेजर चेंजेस लेकर आए थे जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। आपको याद होगा ना, पेरिस एग्रीमेंट में ही हमने क्लाइमेट फाइनेंस बनाया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह बनाया था, और यहाँ पर यही डिस्कशन हुआ था कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो क्या करेंगे, डेवलपिंग नेशन को फाइनेंशियली असिस्ट करेंगी। और ये सारी डिस्कशन कहाँ हुआ था, COP21 के अंदर, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये मीटिंग हुई थी। अब पता है क्या, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो चीज़ें बोली थी आज तक उन चीजों पर अमल नहीं हो पाया। मतलब हमने इतने इतने बड़े बड़े रूल्स बनाए, इसीलिए 21 जो है COP21 वो हिस्ट्री के अंदर आ गया। जब भी हम कोई भी मीटिंग की बात करते हैं तो 26 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लिंक कहां से जोड़ रहे हैं, 21 से, क्योंकि COP21 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक है। उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, और अगर हमने उसको सीरियसली मान लिया तो आप मान के चलो जैसा भी हम सोच रहे हैं 2050 तक हमारा जो कार्बन एमिशन है वो भी खत्म हो जाएगा, और नेचर जो है वो अपने आप सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, हमें उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई हर साल हम COP21 की जो
गाइडलाइंस होती हैं, ये चेक करते हैं किस कंट्री ने कितने लेवल तक की वो गाइडलाइन फुलफिल की है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो COP21 अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार पिंच कर रहा हूँ कि जितना भी हमने एग्रीमेंट्स पढ़े लेकिन उसमें से पेरिस एग्रीमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट की वीडियो को दो दो तीन तीन बार देख लेना, उसमें लिखी हुई एक एक बात को आपको ध्यान से रखनी है, ठीक है। इसी वजह से मैंने वो नोट्स के अंदर पूरे बना बना के आपको पढ़ाया था, क्योंकि बुक के अंदर उतना डिटेल नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉप विल नॉट अनइविल अ ट्रीटी ऑफ 2015। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ कि कॉप 26 ने आज तक, मतलब जो 2015 के अंदर हमने कॉप 21 के अंदर जो चीजें बोली थी वो चीजें कॉप 26 के अंदर फुलफिल नहीं हुई हैं। व्हेन द पेरिस एग्रीमेंट कम इनटू बिगिन इट्स एक्सपेक्टेड टू गाइडलाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जब हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था तो हमने ये उम्मीद की थी कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो पेरिस एग्रीमेंट की लिखी हुई गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फुलफिल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो COP21 में नहीं हुआ तो हमने सोचा COP22 में हो जाएगा, वहां भी नहीं हुआ, COP23 में भी नहीं हुआ, COP24 में भी नहीं हुआ, COP25 में भी नहीं हुआ, COP26 में भी वो चीजें नहीं हो पाई फुलफिल जो हमने COP21 के अंदर डिसाइड की थी। द एक्स होस्टेड कंट्री टू टेक स्टेप टू कीप एनवायरमेंट टू रेजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस बाय टर्न ऑफ द सेंचुरी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आने वाले समय के अंदर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा है 2 डिग्री सेल्सियस कोई बड़ा थोड़ी होता है, अगर मान के चलो इंडिया में 40 डिग्री का तापमान है और अगर ये 4200 है तो भाई साहब 2 डिग्री के अंदर इतना आपका हलवा बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2 डिग्री अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, 0.2 डिग्री भी बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, 2 डिग्री तो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि 2 डिग्री से इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे कि आपके सी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे भारत के जो कोस्टल इलाके ना, जो नीचे वाला भारत का मैप देखते हो तो ये जितने भी आपका गोवा वगैरह ये सब जो है डूब जाएंगे और यहाँ यहाँ तक पानी भर जाएगा, तो हमारा लैंड भी कम हो जाएगा और यहाँ के लोग जब यहाँ पर आके बसेंगे तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कम लैंड के ऊपर इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो हमारे लिए बहुत एक चिंता वाली बात है। आप ऐसा मत समझो कि पानी का लेवल बढ़ेगा पानी पीने लायक आ जाए, पीने लायक पानी तो हमारे पूरे उसमें सिर्फ 0.2% है जिस पानी को हम पी सकते हैं, हमारी अर्थ अराउंड 70% जो है वो पानी से घिरी है, जिसमें से 0.2% एक पीने लायक पानी, बाकी इतना खारा पानी है जिसका आप कोई यूज भी नहीं कर सकते हो। मेरी बात को समझो, दैट्स वाई पेरिस एग्रीमेंट की लिखी हुई एक एक बातों को हमें अमल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे लिखा हुआ है परसुएंस ऑफ टेरर की 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री सेल्सियस मत बढ़ने दो, हम कितना अभी टारगेट करें 1.5 डिग्री की, हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करें इसको मेंटेन करेंगे। ये जो नेगोशिएटर होते हैं ग्लासगो के अंदर, इन्होंने ये बात बोली कि हम इसको 1.5 डिग्री तक कीप करके मतलब अपने पास रखेंगे। आगे लिखा हुआ है टारगेट बट सेवरल आउट स्टैंडिंग इशू एंड डिसएग्रीमेंट मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखो यहाँ पर मेन चीज क्या बोला है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। देखो 2015 के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी हमारी COP21 की, तो वहां पर क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है। दोस्तों भूल तो नहीं ना, क्लाइमेट फाइनेंस ये वही गुल्लक है जिसके अंदर डेवलप नेशन पैसा डालेंगे और वो पैसा किसको मिलेगा, लो इनकम ग्रुप कंट्रीज को मिलेगा या जो डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया है उसको भी ये पैसा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्रॉमिस, अब वो कौन कौन से प्रॉमिस है जो हमने नहीं निभाए, ध्यान देना ये वो प्रॉमिस है जो हमने नहीं निभाए, हमने मतलब जो भी कंट्री के मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने सबने नहीं निभाए। देखो क्या क्या लिखा हो, डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना आर पुशिंग अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट एंड द वेस्ट दैट दे हैव नॉट डिलीवर ऑन पास्ट प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग $100 बिलियन एनुअली अंटिल 2020। यहाँ पर इंडिया ने और चाइना ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया COP26 में, और इन्होंने ये बोला कि जो वादा आपने COP21 के अंदर किया था कि आप हमें $100 बिलियन दोगे, तो वो $100 बिलियन कहाँ है, वो $100 बिलियन का जो आपने हमें वादा दिखाया था और कहा था कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कहाँ है वो $100 बिलियन। इंडिया और चाइना जैसी कंट्री ने इस बात को उठाया, सर इंडिया और चाइना ही क्यों उठा रही, डेवलपिंग नेशन तो और भी ज्यादा है भाई, वो इतनी ज्यादा छोटी है कि वो अपनी बात रख ही नहीं पाती है। इंडिया चाइना अपने आप में डेवलपिंग होते हुए भी एक तरह से डेवलप नेशन की गिनती के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। मुझे याद है सिमरन राजपूत ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर डेवलपिंग और डेवलप नेशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड बन पाती है डेवलपिंग से, वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। डोंट वरी, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया था, मैं उसका रिप्लाई एक ऐसी वीडियो के अंदर दूंगा जहां उसकी जरूरत भी होगी और आपको मैं तब समझा भी दूंगा। जो भी बंदा कमेंट करता है ना, याद रखना मेरे पास हर चीज मतलब दिमाग में सेट हो जाती है किसने क्या पूछा है, तो डोंट वरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डेफिनेटली वो चीज बताऊंगा, क्योंकि सिमरन गुप्ता का ये डाउट, सिमरन राजपूत का ये डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं डेफिनेटली एक दिन वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेवलपिंग नेशन जो है वो डेवलप नेशन बनती है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने इस मीटिंग के अंदर एक्नॉलेज किया कि भाई जो आपने $100 बिलियन का जो एनुअली पैकेज रखा था वो कहाँ है, हमें भी जरा बताओ।
डोनाल्ड ट्रम्प जब थे ना तो उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं डाला था। ओबामा के टाइम पर तो थोड़ा बहुत पैसा भी डल गया था। जो बाइडन तो अब थोड़ा बहुत जो बाइडन ने तो अभी रिसेंटली बोला कि हम इसमें पैसा डालेंगे, लेकिन जो ट्रम्प था वो पता नहीं किस दिमाग का बना हुआ था, उसने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, जबकि एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया था और बाद में पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट भी ले लिया था उसने, समझ रहे हो? याद है ना पेरिस एग्रीमेंट में आपको बताया था। चलो, डेवलप्ड कंट्रीज हैव प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन दिस बाय 2023-24। अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला कि अब हम कसम खाते हैं कि जो हमने पिछला वादा किया था वो तो तब नहीं निभा पाए, लेकिन अब हम वादा करते हैं 2023-24 तक हम उस वादे को पूरा निभा देंगे। आउट इंडिया एंड सेवरल अदर लो इनकम एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव डिमांडेड फाइनेंस पोस्ट 2025 एंड ऑल्सो फंड फॉर द लॉस ऑफ डैमेजेस दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन देयर कंट्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। अब पता है बात क्या लिखी हुई है? बात ये लिखी हुई है कि इंडिया ने एक मुद्दा उठाया है। इंडिया ने कहा कि देखो आप तो अभी भी जो है कार्बन एमिशन दबा के कर रहे हो, तो उसका इंपैक्ट सिर्फ आपकी इकोनॉमी पे थोड़ी पड़ेगा, उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि जो नेचर है ना वो जो बादल हैं जो क्लाउड्स हैं वो एक जगह थोड़ी रहते हैं, वो तो घूम फिर के इधर उधर आते रहते हैं। तो जो आपने कार्बन एमिशन किया जरूरी थोड़ी वो आपके बादलों में रहेंगे, वो तो घूम फिर के हमारे पास भी आ जाएंगे। तो आपने जो वादा किया था आप पहले तो क्लाइमेट फाइनेंस को नहीं निभा रहे हो, और दूसरी बात यह है कि आप जो फंड है वो भी नहीं दे रहे हो और कार्बन एमिशन दबा के करो, इससे हमारी कंट्री लॉस पहुंच रहा है। सोच के देखो ना हमारी कंट्री में कितना ज्यादा डिसबैलेंस आ रहा है। आप देखो ये आर्टिकल है और यही साइड में दूसरा आर्टिकल दे रखा है कि चेन्नई के अंदर पहले से 5 गुना ज्यादा जो है रेनफॉल हुई है नॉर्मल से, नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा रेनफॉल होगी। आप सोच के देखो चेन्नई जैसे इलाके में अगर 5 गुना ज्यादा रेनफॉल होगी, जहां पहले रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होती थी अब वो अगर 500 सेंटीमीटर होगी तो बाढ़ तो आएगी, बाढ़ तो आएगी आएगी, अब बाढ़ आएगी तो चाइना का जो कोस्टल इलाका है वो पूरा डूब जाएगा। अब हम कितना रेस्क्यू करें, कितने इंसानों को यहाँ से उधर शिफ्ट करें, उन घरों में पानी भर जाएगा, जो घर में सामान रखा होगा वो सारा चला जाएगा। सोच के देखो ना कितना बड़ा हमारे यहाँ पर डिजास्टर हो रहा है, खाली चेन्नई में नहीं बल्कि और भी जो कोस्टल इलाके उन सब में यही हाल है। ये क्यों हो रहा है, 5 गुना ज़्यादा रेनफॉल क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो चुका है। जब बरसात होनी होती है तो बरसात नहीं आती है, सर्दियों में बरसात आती है, आती है तो 5 गुना ज़्यादा आती है। तो आप देख लो ना इम्पैक्ट आपके सामने है। ये दूसरा आर्टिकल है लेकिन उसी दिन साथ के साथ बताया गया था कि देखो किस तरह से इंडिया के अंदर ये चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, समझ रहे हो बात को? तो देखो इंटर आपस में आपको कनेक्ट करके भी दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर इंडिया ने बोला कि भाई देखो तुम जो ये काम कर रहे हो इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। थ्रू मेक ऑन द टेक्स्ट इज ऑलरेडी बंस कनेक्शन एज यूजुअली सिंगल वर्ब्स दैट ओपन पैराग्राफ द ड्राफ्ट टेक्स्ट उर्गस कंसीडर नोट्स ऑफ ईच देम इन यूएन क्लाइमेट डिनोट स्पेसिफिक डिग्री ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर इंडिया और बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं डेवलपिंग नेशंस हैं उन्होंने बोला कि अब आप एग्रीमेंट करो, मतलब आप प्रॉमिस करो कि इस बार आप जो क्लाइमेट फंड है उसमें पैसा डालोगे डालोगे, और अगर नहीं डाला तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएंगी। फॉर द इंस्टेंस ऑफ पैरा नंबर 48। अब पैरा नंबर 48 पता है क्या बोला है? पैरा नंबर 48 बोला है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मिनट्स हम रिकॉर्ड करते हैं ना कि किस टाइम क्या होता, उसमें 48वें पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है? द टेक्स्ट करेंटली सेज द प्रेसिडेंसी उर्गुए डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज टू फुली डिलीवर द यूएस। अब उस पैरा नंबर 48 दोस्तों ये याद कर लेना कि पैरा नंबर 48 में लिखा हुआ है कि क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर $100 बिलियन जो है यहाँ पर डिनोट किए जाएंगे। कौन से पैरा में लिखा हुआ? पैरा नंबर 48 में ये बात लिखी हुई है। कितने डॉलर? $100 बिलियन का जो गोल है वो रखे हैं और 2025 तक हमें ये जो है इतना पैसा उसमें क्लाइमेट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू फॉर्म में एक क्वेश्चन इस वाले आर्टिकल से बनता ही बनता है, जानते हो कौन सा? कि $100 बिलियन जो हम क्लाइमेट फाइनेंस बनाएंगे या जो फंड बनाएंगे अपने पास यानी वो गुल्लक बनाएंगे वो कौन से पैरा में लिखा हुआ है? तो पैरा नंबर 48 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? पैरा नंबर 48 में लिखा हुआ। यहाँ से आपका इक्वेशन बन सकता है और ये सभी लोगों ने प्लेज लिया, प्लेज मतलब कसम खाई कि हम ऐसा ही करेंगे। आई होप कि आपको ये आर्टिकल वो जो है पूरा समझ आया, क्योंकि आर्टिकल पढ़ाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको करंट अफेयर ही नहीं आता तो फिर हम बुक पढ़ के क्या फ़ायदा करें? आप 11-12 के बच्चे थोड़ी जो खाली बुक पढ़ाई और बात खत्म होगी, ठीक है? और देखो अब क्लाइमेट का देख लो, चेन्नई के अंदर 5 गुना ज़्यादा रेनफॉल हुई, जितनी नॉर्मल होती है उससे कहीं ज़्यादा हुई है। इवन यहाँ पर देखो एक और आर्टिकल है ये वाला, ये पराली को लेकर है कि देखो किस तरह से किसान भाई लोगों ने पराली इकट्ठा किया और इसको जलाएंगे तो जलाने से क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो खराब हो जाएगा। तो इसको लेकर हमने क्या बनाया था आपको पता है ना? यहाँ पर जो IIT खड़गपुर वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है जिस कैप्सूल के सहायता से हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे, उस सोल्यूशन को अगर हम इस पर डाल देंगे जैसे पानी का सोल्यूशन होता है ना उस तरह से, अगर हम उस एक कैप्सूल को डालते हैं तो 25 लीटर जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। उस सोल्यूशन को जब हम इसमें छिड़काव करेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल तरीके से अपने आप क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब अपने आप जो है ना ये नेचर इसको एब्जॉर्ब कर ले, आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप जलाओगे नहीं तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा हरियाणा के या जो हमारे बॉर्डर
बॉर्डर लाके, जो दिल्ली के बॉर्डर लाके हैं, ये लोग पराली जब जला देते हैं तो वो किसानों की गलती नहीं, मैं तो ये बोलूंगा। तो जब इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं, तो ऑब्वियस बात है फिर जलाने इनके लिए सोल्यूशन बचता है, तो उससे क्या होता है एनवायरमेंट पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आसपास के इलाके दिल्ली के अंदर धुंध छा जाती है, जबकि वो धुंध सर्दी वाली नहीं होती है, वो पॉल्यूशन वाली होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, रियल सेंस में उसका मतलब है, मैं कोई टाइम पास नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल समझ आई हुई है, और जो कॉप से रिलेटेड मैंने आपको बातें बोली हैं, COP26, अब मुझे लगता है कि आपको COP26 के रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको क्लाइमेट फंड के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर, जो $1 trillion का जो यहाँ पर रखा है ना, 100 मिलियन का, तो वो क्या है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके बारे में बताऊँ, फिर मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से अपने पास फिनिश कर दूंगा। मैं क्यों नहीं फिनिश कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको और ज्यादा डिटेल आपको बता पाऊँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी हम मिलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।